तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे डे शिफ्ट, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एक मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ 1 आवर 53 मिनट की। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। खैर मूवी की कहानी स्टार्ट होती है लॉस एंजलिस से, जहां पर हमें नजर आते हैं बर्ड जेब्लोंस्की, जो कि अपने फैमिली वालों की नजर में एक पूल क्लीनर है, लेकिन एक्चुअली जेब्लोंस्की का काम है वैम्पायर्स को हंट करना। लेकिन ये काम वो अपने शौक से नहीं कर रहे बल्कि पैसे कमाने से कर रहे, क्योंकि वैम्पायर्स को मारने के बाद उनके दांत निकालते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बेचते, या तो फिर इनकी एक एसोसिएशन है या तो कह सकते हैं यूनियन है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, और उस यूनियन में जाके वो लोग तीत देते हैं, उसके बदले उनको बहुत सारे डॉलर्स मिलते हैं। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब बर्ड जेब्लोंस्की की फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जिस वजह से इनको $10,000 की ज़रूरत पड़ती है, और भी एक हफ्ते में। तो वो एक हफ्ते में कैसे मैनेज करते $10,000 और कितने वैम्पायर्स को मारते हैं, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको सोचने का मौका ही नहीं देती है। अगर आप लोग मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हो तो ये मूवी आपका 100% एंटरटेनमेंट करेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर पहले सीन से बताया कि हमारे मेन कैरेक्टर को करना क्या है अपनी लाइफ में, वो क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में बात ना ही करना। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी और एक्शन की बात करूँ तो भाई लाजवाब। और जिसको नहीं पता तो भाई इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो पहले स्टंट कोऑर्डिनेटर होते थे। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लो, जब कोई एक स्टंट कोऑर्डिनेटर किसी मूवी को डायरेक्ट करता है जिसका प्रीवियस एग्जांपल एक्सट्रैक्शन था, या तो फिर डेविड लिची हमारे, उनकी भी बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो गजब की, तो सोचो इस पर्टिकुलर मूवी के डायरेक्टर ने किस लेवल के एक्शन किया होगा इस पर्टिकुलर मूवी में, जो कि देखकर मजा आता है। और इतना क्लीन एंड कट है कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या हो गया, मतलब हर एक एक्शन आप लोग देख पा रहे हो। मूवी का बीजीएम ओके लगा। इस मूवी में हमें वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पता है, जैसे कि 5 अलग तरह के वैम्पायर्स होते हैं, एक तो सदर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर, उबेर और जुवेनाइल। हर एक वैम्पायर की अपनी एक खूबी होती है और हर एक वैम्पायर एक दूसरे के साथ नहीं रहता है। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई जेमी फॉक्स एज बर्ड जेब्लोंस्की कमाल का परफॉर्मेंस किया है, उनका कॉमिक टाइमिंग, उनका डायलॉग बोलने का तरीका सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक है। उसके अलावा यहाँ पर स्नूप डॉग जो हमारे सुट्टा मारू, वो भी इस पर्टिकुलर मूवी में है, कह सकते हो एक्सटेंडेड कैमियो है, लेकिन उनका काम भी अच्छा है। एक्शन जो एंड में करते हैं वो बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जिसको हमने नाउ यू सी मी में देखा था, अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर मूवी को देखा है, तो वो बटले ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत हंसाने का काम किया। ओवरऑल इट्स अ डेफिनेटली वॉचेबल मूवी और आप घर पे बैठ के देख सकते हो, मूवी में अश्लील कुछ भी नहीं है। और मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग डेफिनेटली 7.5 आउट ऑफ 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।